ओके सो हाय गाइस, व्लॉग हो रहा है और काफ़ी दिन बाद आज एक वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, शायद 6 दिन बाद। तो मैं किसी काम से गया था पंजाब, तो इस वजह से वीडियो शीडियो ज़्यादा बनी नहीं। तो आज आए हैं वापस जम्मू और काफ़ी दिन बाद बाइक निकाली है, अच्छा लग रहा चला के। तो सीन अभी ये है कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कुछ बनाए हुए हैं, मैंने सोचा आज थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो फिलहाल हूँ मैं रेहाड़ी में और यहाँ ऑटो वाले अपनी पप्पी करने के चक्कर में हैं। तो ऐसा कुछ सीन है और अभी मुझे पेट्रोल भी डलवाना, थोड़ा साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस भी दिखानी है आपको जो मैंने अपनी बाइक में कराई है और अभी तक कवर नहीं की वीडियो में। पर जो मेन अभी सीन ये है कि काफ़ी दिन बाद बाइक चला रहा हूँ, अपनी मज़ा आ रहा है और मज़ा आ जाके मुझे अपनी बाइक चलाने में आता है, जितनी मर्जी चला लो और कोई, पर जो अपनी में सेटिस्फेक्शन है वो इसी में है अब। और जब से मैंने ये अपने तरीके से बनवाई है ना, मुझे और किसी बाइक में कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था। सुपर बाइकों में है, ऐसे नॉर्मल इसके लेवल की बाइकों में नहीं है। आ गया पेट्रोल पंप पे, फ्यूल भरा लेते हैं फिर करते हैं आगे बातचीत। हाँ तो गाइस, बात कर रहा था मैं मॉडिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो आपको मेरे एंगल से दिख रहा होगा फ्रेम स्लाइडर, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी। दूसरा जो आपको दिख रहा होगा मिरर्स, देखो इसके अंदर लाइट दिख रही है आपको, इसके उस साइड भी लाइट है, ये दोनों मिरर्स मैंने चेंज करा दिए हैं। और ये बटन है हज़ार्ड सिस्टम का, जिससे चारों इंडिकेटर साथ चलते हैं, पर प्लस मैंने ये मिरर भी इंडिकेटर वाला लगा दिया, तो इसका मतलब इसके 6 इंडिकेटर इस टाइम साथ चल रहे हैं, 4 आगे और 2 पीछे के। रुक के भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। बाकी आपको यहाँ दिख रहा है ये आगे अपने क्रैश गार्ड, ये भी इंस्टॉल करा लिए हैं। पीछे टेल टाइडी है वो भी करा ली है, वो भी दिखाता हूँ। और ये दिख रहे हैं ये टैंक स्टिकर, और यहाँ पर भी है ये टैंक स्टिकर है, ये मतलब दोनों टैंक स्टिकर ही हैं, ये भी लगा लिए। हेलो कर दो सारे, हेलो किस साइड लिखा है? ये लिखा है इस साइड। पहले बता बाइक अच्छी लग रही है। क्या नाम है? विराट। विराट ओके, हाय हाय। हाँ ओपी बाइक कहाँ से सही लग रही है? सामने से सही लग रही है, पहले बता। ये अभी तक तो YouTube चैनल का क्या नाम है? पूर्णेश लिखना आ जाएगा, यहाँ लिखा भी है वैसे। क्या लिखा है? आप YouTuber? Yes। पूर्णेश कुमार भारतवाला। क्या करना चाह रहे हैं? भैया वीडियो में आएंगे? हाँ आएंगे। कैमरा नहीं दिख रहा भैया, हाँ तो आएंगे, आपकी वीडियो में आएंगे। हेलो सारे आओगे इस टाइम आना। हेलो मेरे भी ले लो। नाम बता दो अपना अपना। ठीक है टीजी एक्सोसासिन। ठीक है बाइक। अच्छा सबका जाना है और किसी का? मेरे 1600। ओके थैंक यू, ओके बाय 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 बाय। ये सही था यार, जो भी था, बच्चे 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 ही तो है सब कुछ। दो तीन भाइयों ने अपना चैनल का नाम भी बोला, यार देखना जरूर, बच्चों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए यार, जिस भी चीज में उनको शौक है उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी चीज हो। अभी वैसे हम बातचीत क्या कर रहे थे, हाँ बाइक का ही बता रहा था मैं, मैंने आपको बोला था रुक के दिखाऊंगा कहीं पे, और अपन देर अच्छा खासा हो गया, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, रुक जाओ यहाँ गली में लगा लेता हूँ। ये देखो जो काम मैंने कराया है, ठीक है,
पहले तो सामने से बाइक का लुक देख लो। अच्छा फिलहाल मैंने इंडिकेटर ऑन किया ना, हजार्ड ऑफ हो गया, ये इंडिकेटर ऑफ किया और अब देखो इसकी बात कर रहा है। ये जो मिरर मैंने बाहर से लगवाए हैं और हजार्ड लाइट करवाई है जिसकी वजह से आगे चार जल रहे हैं अब। और इन मिरर की खासियत ये है कि इनके यहाँ भी दिखता है, तो बाई चांस अगर ऑन रह गया मिरर ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। और पीछे अभी स्टॉक वाले इंडिकेटर हैं जिनको मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ, पर हजार्ड सिस्टम में सारे साथ चलते हैं। और पीछे से आपको टायर बड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने मडगार्ड उतार दिए हैं, एग्जॉस्ट पहले का चेंज है। और मैंने लगवाया है इसमें टैंक पैड नहीं है एक्चुअली, ये टैंक स्टिकर ही है, पैड यहाँ लगते हैं वो थोड़े ग्रिप के लिए होते हैं, ये टैंक स्टिकर है और यहाँ भी लगाया है। बाकी लीवर की मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, पर अभी मैं कंप्लीट बाइक का दिखा रहा हूँ मैंने क्या क्या लगवाया, तो देख लो ये भी। उसके बाद ये लगवाए हैं क्रैश गार्ड्स और पीछे टेल टाइडी दिखाई मैंने आपको, कंपनी की उतार के छोटी वाली लगाई है, इस पर अभी मैंने नंबर प्लेट लगवानी है, अभी वो पुरानी वाली भी है। तो ऐसा कुछ लुक बना अभी बाइक का। और कुछ भी आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि इस बाइक में लगवाओ, मैं कोशिश करूँगा लगवाने की। बाकी जो पहले का लगा है वो है विंगलेट और वाइज़र और एग्जॉस्ट, तो यही कुछ लुक बनी है अभी बाइक की। आई होप सबको पसंद आएगी क्योंकि मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा आई, सबसे ज़्यादा भाई है हज़ार्ड सिस्टम। मेरा कब से मन था, पर मैंने आपको कहा था ना वायरिंग का मुझे छेड़ने का मन नहीं करता, पर ये मैंने सिमटेक का मंगवाया है जिसमें आपको वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, ये सीधा प्लग एंड प्ले होता है, तार उनकी निकाली और इसका रिले जो है वो फिट कर दिया, इसमें कोई भी तार वायर कटिंग नहीं होती किसी भी तरह की। कल को आप वापस सेम टू सेम कराना चाहते हो जैसे कंपनी देती है तो आप करा सकते हो, क्योंकि कोई तार नहीं कटेगी इसमें। और अब काफ़ी बल्कि लग रही है भाई ये देखो। तो ऐसा ही कुछ था। बाकी यार जो बच्चों के रिएक्शन से आज तो उसी से मेरा दिन बन गया, अब बाकी वीडियो कुछ बने ना बने उससे मुझे मतलब नहीं। मेन में आज इसलिए निकला था क्योंकि मैंने 5-6 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है, इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा बाइक जो मॉडिफाई कराई है उस पर वीडियो बना देता हूँ। लेकिन फिर बच्चे मिल गए तो ऐसे ही सब सही हो गया। और किसी को भी इनमें से किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो और ख़रीदने में तो आप मुझे बता सकते हो कि मुझे लिंक प्रोवाइड कर दो ऐसा वैसा कुछ, क्योंकि ये जो है ना हज़ार लाइट ये आपको सस्ते भी काफ़ी मिल जाएंगे, पर उनकी एक तो आवाज़ आती रहेगी, जैसे ये चल रहे हैं ना इस टाइम आप सुनो कोई आवाज़ नहीं है। और अगर आप सस्ता वाला लगवाओगे उसमें ऐसे आवाज़ आती रहेगी। दूसरा सस्ते वाले में ये है कि फिर आप ये नहीं कर सकते, जैसे ये ना आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी चल रहा है यहाँ भी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसको ऑन ऑफ कुछ नहीं, ये लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया देखो सिंपल लेफ़्ट चल रहा है, राइट बंद हो गया। तो बाकियों में ये नहीं होता, बाकियों में जो सस्ते वाले हैं उनमें इंडिकेटर का काम ख़त्म हो जाता है, फिर वो चारों ही चलते हैं। और जिनमें थोड़ा बढ़िया होंगे उनमें ये ऑफ़ करना पड़ेगा, हज़ार पहले ऑफ़ करो और फिर चलेगा इंडिकेटर। और साथ में इसमें शायद 60 मोड्स हैं, 60 उस मतलब इतने पैटर्न्स में आप इनको प्ले कर सकते हैं हज़ार लाइट को। ऐसा ही कुछ था जो नई चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं बाइक में। और आप भी बताओ यार कैसा चल रहा है सब। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ फिर घर ही, छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बन गई होगी आज वो, तो अब घर जाके एडिटिंग करते टाइम पता चलेगा क्या बना क्या नहीं। बाकी चलो अब घर की तरफ चलते हैं और ऐसी कुछ रहेगी आज की वीडियो। और इससे पहले बता दूं कि अब मैं आ गया हूँ घर, अब मैं ट्राई करूँगा कि दोबारा से व्लॉग्स आएँ क्योंकि मैंने गैप इस बार ज़्यादा ले लिया, मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया ना मैंने इतना गैप कभी नहीं लिया, पर इस बार किसी वजह से मुझे लेना पड़ा, तो आई होप आप समझोगे। अभी दोबारा ट्राई करूँगा कि जैसा पहले काम चल रहा था वैसा ही चलाएं, कल से करते हैं कोशिश। फिलहाल फिर आज की वीडियो इतनी रहने वाली है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। और कमेंट में बताना कैसी लगी बाइक की लुक, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो भी बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो आप। तो ठीक है फिर अभी के लिए अलविदा, जल्दी मिलते हैं ऐसी कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।